खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर जिले के सुकरौली नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 पूर्व प्रधान जगदीश सिंह के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने गहने सहित महंगी दर की साड़ियां, जिनकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है, चोरों ने चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि घर पर कोई नहीं था। पूर्व प्रधान के छोटे पुत्र अपनी पत्नी के साथ देवरिया में रहते हैं, जो उनकी माता हार्ट की मरीज थी। इलाज करने के लिए कुछ दिन पूर्व देवरिया चली गई थी और बड़े बहू मायके चली गई थी। बड़ी बहू की माता का पैर फ्रैक्चर होने की सूचना पर बड़ी बहू अपने माता से मुलाकात करने के लिए मायके चली गई। घर को खाली देखकर चोरों ने 3 रूम का ताला तोड़कर अलमारी एवं बॉक्स का भी ताला तोड़ महंगे दर के कपड़े उड़ा ले गए, जिसकी सूचना अगल बगल के लोगों द्वारा घर के मालिक को दी गई। तो आनन फानन में देवरिया से अपने घर आए और तो देखा कि मकान के मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, और जब मकान के अंदर गए तो गोदरेज अलमारी का भी ताला टूटा पड़ा था, बॉक्स का भी ताला टूटा और सारे सामान नीचे बिखरे पड़े हुए थे, जिसे देखकर वे दंग रह गए। वहीं चोरी की सूचना सुकरौली चौकी प्रभारी को दी गई है। मौके पर पहुंचे सुकरौली चौकी प्रभारी ने जायजा लिया और कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने को कहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस चोरों को पकड़ पाती है या फिर नहीं। पतो है दोनों पतो है, हेलो, और सब सामान डालो अभी, फोन कर। घर पे कोई था नहीं क्या? ना, हाँ चलो दवाई कराए बोलन गोली। तो वही जब बाबू गए ना तो वही जान के रोक लिया ना, हार्ट कम के मरीज दवाई चल। गोरखपुर से सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।